रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग मुझे कह दिया करो, ठीक है ना, मैं भूल जाता हूँ. इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेस टाइम टेकिंग, इलाबोरेट टाइम टेकिंग होगा ना. हाँ, स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस. क्लियर है क्या? मेजोरिटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म शोज दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू विच दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट. आइदर द गैमेट्स आर सिमिलर, मींस दे मे बी होमोगैमेटिक, दे मे बी हेटरोगैमेटिक, मींस दे आर डिससिमिलर. क्लियर है क्या? हाँ, तो ये पॉइंट लिखो आप जल्दी. ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. एक खास बात ये कि ये दोनों पेरेंट्स के जो अपोजिट सेक्स ऑर्गेन है, ये जरूरी नहीं है कि अलग, इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो. देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट विद इन एन ऑर्गेनिज्म दे मे हैव बोथ सेक्स ऑर्गेन. क्लियर है? द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म इन दिस कैटेगरी मे बी बाइसेक्सुअल, मोनोशियस. Means bisexual. Both the sexes are, both the sexual organs are present in this, and dioecious. लिखा क्या आप लोगों ने? Dioecious means unisexual. Clear है क्या? Hello. Awesome. अगर मैं इस organism का आपसे example पूछूं, तो कौन आएगा इसमें? Monoecious में कौन आएगा? हाँ बेटा. हाँ, वो तो फ्लावर तो आएंगे, लेकिन कौन से फ्लावर आएंगे? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? हाँ, तो बाइसेक्सुअल में एग्जांपल अपने पास चारा, और एनिमल के केस में इसको प्लांट के केस में बोलते हैं हम लोग मोनोशियस, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड कॉमन टर्म है बाइसेक्सुअल, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज इन एनिमल केस इट इज हर्माफ्रोडाइट. क्या बोलते हैं इसको? हर्माफ्रोडाइट. क्लियर है क्या? और डाइशियस के लिए क्या है अपने पास? मर्केंशिया. मर्केंशिया याद आएगा. एक प्लांट और है अपने पास, बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर बेसिकली बायसेक्सुअल इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर हायर प्लांट. बायसेक्सुअल फ्लावर. ऐसा एग्जांपल अपने पास स्वीट पोटैटो. याद रहेगा? हाँ जी. हाँ सर. हाँ सर. इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग की आवाज लेकिन कम आ रही है यार. आप लोग कुछ खाया नहीं हो क्या? खाना नहीं खाया हो? लंच नहीं किया आप लोग? अरे जोर से बोलो. तो क्या समझ में आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दोनों पेरेंट होंगे, इसके लिए जरूरी नहीं कि वो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो. देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी के both sex organ, male sex organ as well as female sex organ may be present on the same organism. For example, we can say earthworm. Earthworm is a bisexual organism, means they are hermaphrodite. Is it clear? Yes, sir. और इसमें क्या होता है? Male gamete और female gamete का fusion होता है, which results in formation of offspring
That's why different gametes are involved in this. That's why they are not identical to their parents or among themselves. क्लियर है क्या? क्योंकि इसमें ना दो अलग अलग कैरेक्टर आके मिलकर एक नया कैरेक्टर बनाता है. दोनों का कैरेक्टर को यह रिसेसिव और डोमिनेंट के बेस पे ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है. रिसेसिव और डोमिनेंट क्या क्या होता है इसका डिटेल्स आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना. डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो भी अपने किस हर हाल में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को सिर्फ सिमिलर कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है. आप लोगों ने इसे अगर पढ़ा होगा, जिसे अगर मैं बात करूं, एक फॉर एग्जांपल कर्ली हेयर, ठीक है ना. तो डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल से लिखते हैं और रिसेसिव को हम लोग स्मॉल से लिखते हैं. अगर हम लोग हेयर का पैटर्न की बात करें, कर्ली हेयर फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं, मैं समझने के ले रहा हूं, लेकिन हाँ कर्ली हेयर डोमिनेंट कैरेक्टर है. अगर ऐसा हो कि किसी के पास ये सी वाला एलील है, मींस जीन का एक अलग फॉर्म है, कोई एक जीन है जो इसके लिए हेयर का स्ट्रेटनेस के लिए, हेयर का पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका दो एलील है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव, मींस उसका दो फॉर्म. एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन. एक जीन का अलग अलग फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं. यस और नो? हेलो, बोला करो आप लोग. यस सर. दोनों में से इनको कर्ल हेयर होने के लिए इसका सिर्फ सिंगल कैपिटल होना काफी है. जरूरी नहीं हो कि कैपिटल सी होगा तभी वो कर्ली हेयर होगा, लेकिन हाँ रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए दोनों का होना जरूरी है. कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी कैपिटल सी, या फिर वी कैन से सी कैपिटल सी. ये दोनों, इस तीनों केस में ये अपने आप को डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल वाले सिमिलर केस में क्या करेगा? रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा. क्या आपको समझ में आया? हाँ सर, समझा. अभी इस तरीके से जीन्स जब जब डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करके जब विद बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगेमी, देन सिंगेमी लीड्स टू, सिंगेमी मींस क्या होता है कि गैमेट्स का संगम, गैमेट्स का मिलने को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगेमी कहते हैं. एंड दिस प्रोसेस सिंगेमी लीड्स टू फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट सिंगल सेल स्टेज ऑफ दैट सेल दैट ट्रांसफॉर्म इनटू मल्टी सेल एंड देन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस. इज इट क्लियर? जल्दी से लिखो फिर आप लोग. लिख लिया क्या? सुजाल सर, समझ में आ रहा है क्या? समझा. क्लास में रितिका नहीं है क्या? सर वो जस्ट आई, ज्वाइन कर रही है. तो क्या होगा ये? आपने ये लिख लिया क्या? हेलो सर. हेलो सर, एक्चुअली मैं सेंटर पे आ रही थी, मुझे लेट हो गया सर. जल्दी लिखो. समझ आया क्या आपको? मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ. हम लोगों ने शुरू किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. इट इज अ रिप्रोडक्शन, इट इज सिंपल फास्ट प्रोसेस. फिर हम लोगों ने नेक्स्ट शुरू किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड दीज टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस दैट वी कॉल एज क्वाइटस और मेटिंग एंड ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. असेक्सुअल में क्या था? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था. क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, इसमें क्या है कि गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, तभी तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. दो अलग अलग गैमेट्स मिलकर के फ्यूज होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, दोनों का कैरेक्टर को ये एक्सप्रेस करता है मिलकर. इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस
इलाबोरेट एज वेल एज सेलो प्रोसेस. क्लियर है क्या? मीन्स आप फर्टिलाइजेशन टू बर्थ तक ये बहुत लॉन्ग टाइम होता है, वन ईयर टू ईयर, किसी में थ्री ईयर भी होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है. ठीक है ना? एंड टू अपोजिट सेक्स का होना जरूरी नहीं कि इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो. इसके लिए इतना काफी है कि दोनों सेक्स ऑर्गन किसी एक ऑर्गेनिज्म में पाया जा सकता है. जैसे अपने पास एक चारा एक प्लांट है, मर्केंची एक प्लांट है जिसमें अलग अलग मेल प्लांट्स में अलग मेल फ्लावर होते हैं, फीमेल प्लांट्स में उनके लिए मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है ना? तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डायशियस मींस यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस मींस बाइसेक्सुअल, एंड स्वीट पोटैटो इज एंजियोस्पर्म व्हिच इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. क्लियर है? हां सर. सबने लिख लिया? लिखा कि नहीं? लिख लिया. Should I proceed? Yes, sir. नेक्स्ट बात करते हैं. जैसे मैंने कहा आपको कि तो डिफरेंट गैमेट्स मिलकर के सिंगेमी होगा, एंड दैट सिंगेमी लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम वन सेल टू मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म. इफ इट इज मल्टी सेल देन सम दिस काइंड ऑफ फिनोमेना विल हैपन. सो फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ फिनोमेना, वी हैव सर्टेन स्टेजेस, वी हैव सर्टेन फेज. क्लियर है? सो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, एंड देन दे विल गेट मैच्योरिटी एज इन देयर लाइफ बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. सो फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी हैव वन स्टेज इज जुवेनाइल फेज. क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज. इन प्लांट्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज. क्लियर है क्या? जुवेनाइल. जुवेनाइल फेज क्या होता है? इट इज अ ग्रोथ फेज. याद रहेगा आप लोगों को? यस सर. द पीरियड ऑफ ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम लोग? जुवेनाइल फेज बोलते हैं. ये सारा का सारा फेज कहाँ? बर्थ टू डेथ के बीच में होता है. द पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज. क्लियर? इन प्लांट्स इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स. एंड दिस फेज में भी वेरिएबल अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. किसी में बहुत कम होता है, किसी में यह बहुत ज्यादा होता है. दिस पीरियड में भी, दिस फेज में भी वेरिएबल. इज इट क्लियर? एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं. इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग ऑकर्स मोर देन वंस. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि एक बार से ज्यादा एक बार से ज्यादा फ्लावरिंग करते हैं. तो ऐसे प्लांट को आप लोग क्या कहेंगे? जब फॉर एग्जांपल एक बार फ्लावरिंग हो गया, फिर नेक्स्ट फ्लावरिंग के होने के बीच में ये कौन सा फेज कहलाएगा? मैच्योरेशन फेज और वेजिटेटिव फेज, और वी कैन से अदर थिंग. टेल मी. वेजिटेटिव फेज. क्यों? व्हाई? वेजिटेटिव फेज क्यों बोलेंगे? सर वो सही लग रहा है. सही लग रहा? सर मैच्योरेशन तो एक ही बार अचीव होता है ना, मतलब उसके बाद वापस थोड़ी उसके वेजिटेटिव वापस हो सकता है. हाँ, तो क्या होना चाहिए बताओ? वेजिटेटिव फेज लाइफ में एक बार आती है ना. अब एक बार कोई इंसान, फॉर एग्जांपल आप बड़े हो, मैच्योर हो गए, क्या आप दोबारा बच्चे हो सकते हो क्या?
नहीं ना, हेलो, नहीं सर, नहीं हो सकता ना, इसीलिए इसीलिए जब एक बार वेजिटेटिव फेज हो गया तो वापस मैच्योर भी ना होंगे। नहीं 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 बेटा, मैंने क्या पूछा कि एक बार फ्लावरिंग हो गई फिर नेक्स्ट फ्लावरिंग, तो ये तो पूरा मैच्योरेशन फेज में ही तो काम हो रहा है ना, तो इस फेज को भी हम लोग मैच्योर होगा क्या ऐसा बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, एक ऐसा नहीं होता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म एक बार मैच्योर हो गया, अब वो सीड का प्रोडक्शन करेगा, फ्लावर का प्रोडक्शन करेगा, तो उसको दोबारा नेक्स्ट सीजन के लिए दोबारा मैच्योर होने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, तो ऑलरेडी मैच्योर्ड है। तो बेसिकली इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ मैच्योरेशन फेज। समझ में आया कि नहीं? बेसिकली आई मीन टू से कि जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है ना, वो बेसिकली वो मैच्योर्ड फेज में ही तो आता है। हाँ। नहीं समझ में आया? नहीं समझा। कोई नहीं, मैं दोबारा वापस समझाइए ना एक बार, मुझे नहीं समझा कुछ। मैंने कहा इस जुवेनाइल फेज को पास करके या वेजिटेटिव फेज को पास करके एक ऑर्गेनिज्म पहुंच गया मैच्योरिटी फेज, एक बार उसमें फ्लावरिंग हो गई। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें अपने लाइफ में मेनी टाइम्स फ्लावरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैंगो ट्री है, एक बार वो फल दे गया, अब अगर फिर नेक्स्ट सीजन में फिर वो फ्लावरिंग करेगा ना, तो इन इंटर फ्लावरिंग पीरियड को हम क्या बोलेंगे? क्या वो दोबारा वेजिटेटिव फेज में जाएगा या वो मैच्योर का मैच्योर ही रहेगा? हाँ, मैंने इसको हम ना अपने अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप लोग मैच्योर हो गए, फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनिज, कोई एक ह्यूमन है, कोई एक इंसान है, वो मैच्योर हो गया, ही और शी इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, विल दे गो टू देयर चाइल्डिश और यंगर स्टेज, मीन्स नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी? नहीं ना? नहीं सर। बोलो बोलो। हाँ, हम वापस उस स्टेज में जाने सकते हैं ना, क्योंकि हम तो मैच्योर हो चुके हैं। आई एम एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग मीन्स दैट फेज विल बी इन द मैच्योरेशन फेज, मीन्स दैट इंटर फ्लावरिंग पीरियड इज द मैच्योर फेज। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सो इंटर फ्लावरिंग पीरियड विल बी मैच्योर फेज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के बारे में, देयर आर सम प्लांट्स। और तो आपने ये यूरिनल फेज का डेफिनेशन लिखा है क्या, द पीरियड ऑफ ग्रोथ वाला? हाँ, जिस फर, मतलब कि उसका वर्टिकल से फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक उसके पास पूरा प्रॉपर ग्रोथ हो रहा हो, उस पूरा का पूरा फेज को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रोथ फेज बोलेंगे। जैसे वो मैच्योरेशन फेज के लिए, मतलब आने जब मैच्योर होने के लिए जो काम होने, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर होना इनिशिएट हो गया, और भी जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, गैमेट्स बनने के लिए जो चीजें लगती है, वो उनका बनना शुरू हो गया, ऐसे फेज को हम लोग बोलते हैं क्या? मैच्योरेशन फेज। क्लियर है? हाँ सर। जो फ्लावरिंग फेज को क्या बोलते हैं हम लोग? मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में भी एनुअल और बाइनियल। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. एंड इस जुवेनाइल फेज के बाद एक आपने आता है रिप्रोडक्टिव फेज और मैच्योरेशन फेज, जब वो अपना रिप्रोडक्टिव फिनोमिना दिखाता है, एंड देन सेनेसेंट स्टेज मींस ओल्ड एज। क्या बोलेंगे हम लोग? सेनेसेंट या ओल्ड एज, बुढ़ापा। प्लांट में भी बुढ़ापा आता है। क्लियर है? यस और नो? यस सर।
प्लांट्स क्या होता है कि अपने पूरे लाइफ में, अपने पूरे लाइफ साइकिल में वो एक ही बार फ्लावरिंग करता है. सम आर बाइनियल, सम आर पेरिनियल. समझ में आ रहा है क्या? एक आपने नाम सुना होगा, इस्ट्रो बिलेंथस कुंथियाना. नाम सुना है क्या? समोन इज मिसिंग इन द क्लास. कौन कौन कौन? अच्छा समर. तो इस्ट्रो बिलेंथस कुंथियाना, इसका कॉमन नेम है नीला कुरंजी. वो हर 12 साल में फ्लावरिंग करते हैं. लास्ट टाइम ये देखा गया था 2018. इस्ट्रो बिलेंथस आपके एनसीईआरटी में होना चाहिए. इस्ट्रो बिलेंथस कुंथियाना. क्या है ये? एक प्लांट है बेटा. मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, कुछ एक सीजन में फ्लावरिंग करते हैं, मींस फ्लावरिंग करेगा तो सीड का भी प्रोडक्शन होगा. कुछ कई सीजन में एक बार करते हैं, मींस अपने साइकिल में, क्योंकि अलग अलग सीजन आता रहेगा ना, तो हर कोई एक सीजन में एक बार करता है, कोई अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक बार करता है, कोई कई बार करता है. समर कुछ दो साल में एक बार कर, दो सीजन में एक बार करता है. तो समवार एनुअल, समवार बाइनियल, समवार पेरिनियल, मींस कई सीजन में अपना फ्लावरिंग करना. क्लियर है क्या? तो उसमें से एक प्लांट है अपने पास, इस्ट्रो बिलेंथस कुंथियाना, इसका नाम है नीला कुरंजी. नाम सुना है क्या आप लोगों ने? इनका आप यूट्यूब में देख सकते हैं. ये लास्ट टाइम आपके एनसीईआरटी में होगा तो इसका 2006 का होगा, लेकिन हर 12 साल में होती है ना, तो सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर 2018 में ये फ्लावरिंग किया था. और फिर नेक्स्ट ये कब करेगा? 2030. ये कुछ ऐसा प्लांट है जो साल 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं. और जब ये फ्लावरिंग करता है, इनका लुकिंग काफी कुछ अट्रैक्टिव साइड हो जाता है, मीन्स ये एक तरीके का आपको टूरिंग साइड बन जाते हैं. तो बहुत लोग क्योंकि ना अलग टाइप का, आप यूट्यूब में सर्च करना आपको दिख जाएगा, इस्ट्रो बिलेंथस कुंथियाना या नीला कुरंजी फ्लावरिंग, आपको उसमें दिख जाएगा. ठीक है ना? इनका एक एक, एक, एक लुक भी लुक सा लुक अलग सा होता है. क्लियर है क्या? जो ये जो पाया जाता है, ये कुछ खास जगह में पाया जाता है. आपको केकेटी के नाम से याद रखना है. केकेटी, के फॉर केरला, के फॉर कर्नाटका, टी फॉर तमिलनाडु. याद रहेगा? यस सर. केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये ऐसी जगह में फ्लावरिंग करते हैं, ऐसी जगह में ये डोमिनेंट है, उसी जगह में होते हैं. और फ्लावरिंग Every 12 years. किसमें लिखना है आपने? हाँ बेटा. तो ये फ्लावर के बारे में ऐसे सेपरेट लिखना है ना, ये फेस में नहीं है ना कुछ? नहीं नहीं, इसमें मतलब कि ये अलग पॉइंट है, मतलब मैं फ्लावरिंग की बात कर रहा हूँ. Every 12 years में वो फ्लावरिंग करते हैं, हर 12 साल में फ्लावरिंग occurs. आपको मैं एक एनुअल बाइनियल प्लांट्स का एक लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां से आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना. ठीक है ना? समझ में क्या आया आप लोगों को? एनुअल प्लांट्स आर दोस प्लांट जो अपने लाइफ से अपने सीजन में एक बार, मतलब अपने एक सीजन में एक बार फ्लावरिंग करे. जो दो बार करे उसको क्या बोलेंगे? दो बाइनियल. पेरिनियल जो कई साल में करे, कई सीजन में करे, तो क्या बोलेंगे? पेरिनियल. हाँ बेटा. 12 इयर्स है क्या? क्या कह रहे हो? Every 12 years flower occurring. हाँ हाँ, 12 साल 12 years, हर 12 साल में. लास्ट टाइम 2018 में देखा गया था ये, उससे पहले 2008 में देखा गया था. अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो 2030. यू कैन यू मे विजिट देयर, बहुत अच्छा लगेगा. बोल रहा हूँ ना कि ये इनका एक जो इनका लुकिंग होता है,
ये बिल्कुल एक टूरिस्ट साइट बन जाता उस टाइम, क्लियर? इतना लिख लिया आप लोगों ने? अब पेरिनल प्लांट क्या होते हैं जो कई सीजन में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स में क्या इज इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व द वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज? इज इट इजी? इट विल बी डिफिकल्ट सिंस कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब हो रहा है, आप इंतजार किए जा रहे हो किए जा रहे हो, क्योंकि आपके आपके मुताबिक तो नहीं होगा ना, वो अपने अपने साइकिल के हिसाब से चलेगा। इसलिए जो पेरिनल प्लांट होते हैं जो कई सीजन में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, कई सीजन में उनके फ्लावरिंग करते हैं, इनमें इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जामिन और डिफाइन दिस काइंड ऑफ फेज, दैट इज जुवेनाइल, व्हाट वी कैन से मैच्योरेशन और सेनेसेंट फेज। इज इट क्लियर? सो ये केकेटी क्या? के से दो आप स्टेट का नाम बताओ, नेम टू स्टेट्स स्टार्ट विद के। केरला कर्नाटका, एंड टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर तमिलनाडु, याद रहेगा? लिखना पड़ेगा क्या? नहीं सर, हो गया। सबका हो गया? आगे बढ़ूं? अच्छा, प्लांट्स और एनिमल्स में दीज फिनोमिना आर कंट्रोल्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 11th के बेसिस पे। क्या है वो केमिकल मैसेंजर्स? नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा सर, प्लांट्स का नहीं पढ़ा। या नहीं पढ़ा, ये कौन बोला? सर प्लांट्स का नहीं पढ़ा, एनिमल्स का पढ़ा। अच्छा, आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना सर। हार्मोन्स नहीं पढ़ा क्या सर? प्लांट्स का नहीं पढ़ा, एनिमल्स का पढ़ा, वही बोल रहा हूं। अच्छा, मैंने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ाया था क्या? पढ़ा है। बायोमोलिक्यूल्स मैंने हार्मोन के बारे में कुछ बताया था क्या? नहीं बताया था ना? नहीं सर, एंजाइम का था ना उसमें तो। अच्छा, एंजाइम का था। चलो, तो जिस तरीके से आप लोगों ने प्लांट्स में एनिमल में पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम, सिमिलरली कुछ हार्मोन्स भी, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि प्लांट में भी तो हार्मोन होते हैं। आपको प्लांट फिजियोलॉजी नहीं हुआ है क्या? नहीं सर। चलो कोई नहीं, वो भी हो जाएगा, बहुत जल्दी। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना, ठीक है ना? तो हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेजेस, क्योंकि ग्रोथ के लिए ग्रोथ का हॉर्मोन आएगा। जैसे प्लांट्स में क्या होता है? ऑक्सिन। एनिमल में क्या होता है? ग्रोथ हॉर्मोन। जैसे हम लोगों ने ग्रोथ हॉर्मोन अलग अलग पाया था, GnRH, और बॉडी का डेवलपमेंट के लिए अलग अलग हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है क्या? Yes, sir. So we can say in plants and animals, hormones are responsible for the transition between these three phases, that is the juvenile phase, reproductive phase, and senescent phase. And interaction between hormone and certain kind of environmental factors, which we regulate the reproductive process and the associated behavioral expression of the organism. For example, male organism ka attraction females ki taraf hoga with the help of hormonal regulation, means jinka hormonal regulation is balance hai, they do not have such kind of attraction. Lekin dhyan rakhna, agar humans ki baat karun, there is a certain kind of humanity, that's why it is not necessary that someone will express their feeling. Is it clear? So for this process, hormones are responsible. क्लियर है क्या? हेलो, नेक्स्ट बात करते हैं कि इन सेक्सुअल, जो आगे जो भी आने वाला है वो सारा सर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना? नेक्स्ट टॉपिक, इवेंट्स
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिख लिया क्या आप लोगों ने? Whenever the plant or the organism attain the age of maturity, all sexually reproducing organism exhibit events and process that have some kind of remarkable fundamental similarity इसके बावजूद के हर ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में क्या होता है, दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेन दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन. हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि टेस्टिस एंड ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. क्लियर है? तो जो इनके जो इवेंट्स होंगे दे विल बी कंटिन्यूअस इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये तो है कि वो इलाबोरेट होंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इलाबोरेट भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होंगे. यस और नो? एंड फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस, फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन फीमेल पीरियड्स continuously comes at every cycle, every month, from their alternate, what we can say, not alternate ovary, basically it is the breakdown of the interior wall of the uterus. Clear kya? Sir. ये सब continuously regular चलता रहेगा. जैसे एक season खत्म हुआ, plant में season होता है, और humans में एक month wise चलता रहता है. अगर gamete का ही formation है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन मेल्स की बात करें इसमें भी गैमेट्स का प्रोडक्शन एक पार्टिकुलर टाइम तक फिर बना, फिर मतलब कि उसका ग्रोथ होगा, होते होते फिर वो मैच्योर होंगे, फिर वो उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा, फिर वो ऐसे कंटिन्यू बनते रहते हैं. ठीक है ना? तो गैमेट्स का बनना एक कंटिन्यू चलता रहता है. और कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, फिर हम लोग आगे उसको डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है? इसमें हम लोग बात करते हैं इवेंट्स में. पहला इवेंट्स की बात करते हैं हम लोग, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. हम लोग मेन टारगेट लिए हैं फर्टिलाइजेशन को, उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट, फर्टिलाइजेशन होता क्या है इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इसमें मुझे कौन बताएगा कि इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? एनीवन? बोलो बोलो बच्चों. टेल मी. सर किस में बात कर रहे हो, मतलब कौन ह्यूमंस में? किसी में भी, मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ. तो प्रिपेयर करेंगे अपने आप को पहले तो. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि एक तो होता है फर्टिलाइजेशन जहाँ पर दो गैमेट्स मिलते हैं, तो इसको हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट किया फर्टिलाइजेशन को ना, तो जो उससे पहले वाला फेज होगा उसको हमने बोल दिया क्या, उससे पहले वाला इवेंट को क्या बोलेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. उसके बाद वाला इवेंट को बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहला इवेंट क्या है अपने पास? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इनमें आपको दो इवेंट्स मिलेंगे. ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या क्या हो सकता है वो? गैमेट फॉर्मेशन. वेरी गुड. और इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस ईच एंड एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है ना? हाँ सर. हाँ, जब गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट बन जाएगा तो गैमेट का ट्रांसफर भी तो होना पड़ेगा ना? अरे यार बोलो तो. हाँ सर. गैमेट बनेगा तो गैमेट का ट्रांसफर भी होगा. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में
कभी मैं आपसे सवाल पूछूं या नीट वाले आपसे सवाल पूछे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन से फिनोमेना होता है, क्या क्या बताओगे? नंबर वन पे गैमेटोजेनेसिस, नेक्स्ट गैमेट ट्रांसफर। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस होते हैं और गैमेट का ट्रांसफर का मेथड अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पर मेल गैमेट मोटाइल होता है, कहीं पर फीमेल गैमेट मोटाइल होता है। मोटाइल होने के लिए सीलिया का होना जरूरी है क्या? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल मोटाइल होने के लिए व्हाट वी कैन से सीलिया फ्लैजेला हर ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं है ना। हाँ बेटा, हर ऑर्गेनिज्म में सीलिया फ्लैजेला हो गैमेट में जरूरी नहीं है। अच्छा, जो मोटाइल होगा उसके पास सीलिया नहीं होंगे? हाँ, मतलब कुछ कुछ में नहीं होंगे। तो फिर मोटाइल कैसे होगा फिर? सर जैसे पॉलन ग्रेन जो है वो मतलब उसमें थोड़ी होता है सीलिया। और ये जो it has to be carried with the help of vegetative cell. Yes. तो वो कैरियर उसके पास है ना, तो पॉलन ग्रेन मोटाइल। हाँ बेटा, अच्छा उसको हम लोग पॉलन ग्रेन को फिर पढ़ेंगे। जो आप कह रहे हो कि इसमें सीलिया फ्लैजेला नहीं होता है, तो जहां पर जो होता है हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ फिलहाल मेरे पास क्या है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस होने के लिए मींस गैमेट बनने के लिए उसके पहले गैमेट मदर सेल होना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जीएमसी। yes, क्या बोलेंगे? जीएमसी। जीएमसी क्या, जीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? गैमेट मदर सेल। नहीं बेटा, ग्रांड मेडिकल कॉलेज नहीं होता क्या? जीएमसी आपके, जीएमसी आपके मुंबई में तो है कि नहीं? yes, बोलो तो यार। हाँ, लेकिन यहाँ पर जीएमसी का मतलब क्या है, गैमेट मदर सेल। क्लियर है? दिस प्रोसेस रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ ध्यान रहे, गैमेट्स आर, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में गैमेट्स आर डिप्लॉइड ना सर? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है, मुझे पता ही नहीं था यार। हाँ सर, हैप्लॉइड होता है, मैं तो भूल गया था। हाँ, गैमेट समिट फॉर्मिंग सेल गैमेट मदर सेल होता है। क्या सर वापस बोलो? सर आपका आवाज बहुत क्या होता है। गैमेट, आपने तो सही कहा कि गैमेट हैप्लॉइड होता है, मुझे पहले पता था नहीं, अब मैं आप लोगों से जान गया, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ, जो गैमेट तो बन गया, दिस इज हैप्लॉइड, जो गैमेट को बनाने वाले से आवाज कट हो रहा है। आवाज कट रहा है। अब ठीक है? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, मेरा आवाज वापस आ रहा है। मेरा आवाज वापस आ रहा है सर? नहीं होना चाहिए था। आ रही क्या? हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल होंगे, जो गैमेट मदर सेल होंगे, वो क्या डिप्लॉयड होंगे या फ्लैट होंगे? जीएमसी क्या होगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होता है। अच्छा, इन हैप्लॉइड को बोलते हैं हम लोग एन, ठीक है ना। और जो जीएमसी होता है, गैमेट मदर सेल, दैट इज 2N, जो कि डिप्लॉइड होता है। यस सर, ठीक है ना।
by the process of meiosis 1 and meiosis 2, the chromosome number has been reduced to half. Clear hai kya? For example, this is the gamete mother cell. It will divide into two. क्योंकि meiosis दो स्टेज में होता है, M1 and M2. फिर ये next वाला दो में बटेगा, फिर ये वाला दो में बटेगा, तो चार हो गए ना. तो एक गैमेट मदर सेल से चार गैमेट बनते हैं इन केस ऑफ मेल. मींस एक स्पर्म को बनाने वाला सेल से, स्पर्म मदर सेल से चार स्पर्म बनेंगे. वहीं पर फीमेल के ह्यूमंस में एक गैमेट मदर सेल से एक ही गैमेट बनेगा, क्योंकि रेस्ट तो पोलर बॉडी बन करके डिजेनरेट हो जाता है. हाँ सर, बताया था आपने. सेम केस कहाँ पर होता है? प्लांट्स में भी. प्लांट्स में एक एग से, एक जो गैमेट मदर सेल है उससे एक ही एग बनता है. वहीं पर एक गैमेट मदर सेल से चार पोलर एग बनते हैं. बोलो, समझा कि नहीं? पक्का? कोई डाउट रहेगा? जीएम का आवाज ना क्लियर नहीं आ रहा. जीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? गैमेट मदर से, ठीक है ना? आगे और आएगा ये. तो इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? आगे बढ़ू? यस सर. आगे बढ़ू? हाँ सर. हाँ, इन सम एल्गा. अच्छा, एक खास बात यह है कि जरूरी नहीं कि ये सब के सब गैमेट्स एक जैसे हो, दिखने में एक जैसे हो, शक्ल में, शक्ल सूरत में एक जैसे हो. दे में भी सिमिलर और दे में भी डिसिमिलर. दे में भी सिमिलर एंड डिसिमिलर. इज इट क्लियर? यस. ऐसा गैमेट्स जो कि सिमिलर होते हैं उसको बोलते हैं क्या? आइसोगैमेट्स. हर तरीके से वो सिमिलर होंगे, ऐसे गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोगैमेट. वहीं पर गैमेट्स नेक्स्ट टू टाइप का होता है. वी हैव हेटेरोगैमेट्स, मींस दोनों का साइज अलग अलग होगा, मींस दोनों मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होंगे. क्लियर है क्या? यस सर. उनको एनाइसोगैमस बोलते हैं ना, और फिर वो सब क्या एनाइसोगैमस बोलते हैं, ओगैमस बोलते हैं, और पता नहीं ओगैमी और पता नहीं कौन कौन सा गैमी बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में. आप लोगों में से, आप लोगों में से पढ़ा होगा प्लांट में, प्लांट किंगडम में. हाँ सर पढ़ा है. हाँ सर. तो उसमें बहुत सारे होता है, होमोथिलस होता है, हेटेरोथिलस होता है, मोनोशियस होता है, डाइसेस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और इस तरीके से बहुत सारा प्लांट होता है, बहुत सारा किंगडम होता है जो हम लोग पढ़ते हैं. तो अब ठीक है क्या? कुछ तो अब ठीक है. बेसिकली गैमेट्स जो सिमिलर हो अपीयरेंस में, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? होमोगैमेट्स बोलेंगे, दैट इज द आइसोगैमेट्स. ठीक है, तो आगे बढ़ना चाहिए हमें. यस सर. हाँ, वेरी गुड. लिखने के मामले में आप लोग आगे रहो. तो हम लोग बात कर रहे थे अलगा के बारे में, कि इन सम अलगा टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल. तो ऐसे गैमेट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कि होमोगैमेट्स. क्या बोलते हैं? मीन्स सेम गैमेट्स. और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, जैसे आप लोगों का भी कहीं कोई ना कहीं निकनेम होगा, तो इसका भी कुछ निकनेम है, उसको बोलते हैं क्या? आइसोगैमेट. क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोगैमेट. क्लियर है क्या?
जिसमें अपीयरेंस में सिमिलर होगा, अपीयरेंस में सिमिलर होंगे, अपीयरेंस इन सिमिलर, और वी कैन से सिमिलर इन अपीयरेंस, ऐसा नहीं होगा, अपीयरेंस सिमिलर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, होमोगैमिट्स और आइसोगैमिट्स बोलेंगे। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसका एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लेडोफोरा, नाम सुना है क्या? क्लेडोफोरा क्या है? एक अलगा है, ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे गैमेट सिमिलर हो, क्लियर है क्या? हाँ सर। तो मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, हेटेरो गैमेट्स बोलते हैं, हेटेरो गैमेट्स, गैमेट्स। हाँ, इसका एग्जांपल आपके पास है, आप लोग एग्जांपल दोगे क्या? एक फ्यूकस एक अलगा है, क्लियर है? होमो सेपियंस मींस ह्यूमन, बोलो ना यार, ये किसमें आएंगे? हेटरोगैमिट्स आएंगे। लिख लिया आप लोगों ने क्या? एक मिनट, हाँ लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, टू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, क्या यह हमेशा के लिए सही है? हेलो, आपका आवाज क्लियर ही नहीं आ रहा सर। एक मिनट, अब ठीक है? नॉट क्लियर? अब ठीक है क्या? हेलो, तो सेम है, सेम है। एक मिनट, हेलो हेलो, अभी एको हो रहा है सर आपका, अब ठीक है? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, इज दिस ऑलवेज ट्रू? सर रिपीट करो। I am saying that in sexual reproduction, the organism generally involves the fusion of two gametes from two different individuals. Yes, sir. Is it always true? No, sir. हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि there are some organisms which are bisexual or which are monoecious. ऐसे plants को, ऐसे what we can say, fungi को हम लोग क्या बोलते हैं, और प्लांट्स के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं होमोथैलिक, क्या बोलते हैं? होमोथैलिक। तो इन फंजाई, तो मोनोशियस के लिए, मोनोशियस एंड होमोथैलिक मींस एक ही थैलस पे, एक ही बॉडी पे, होमो थैलस
ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए ये टर्म यूज करते हैं बाइसेक्सुअल के लिए. मोनोशियस एंड होमोथेलिक वी हैव सर्टेन फंजाई एंड प्लांट्स. दिस बाइसेक्सुअल कंडीशन दे आर नोन एज मोनोशियस एंड होमोथेलिक. एग्जाम्पल अपने क्या होगा, वी हैव सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स. इन नेक्स्ट वी कैन से वी हैव डाइशियस कंडीशन. होमोथेलिक मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट्स में ना. हाँ बेटा, होमोथेलिक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए ना. हाँ हाँ, बाइसेक्सुअल कंडीशन, ये बाइसेक्सुअल कंडीशन. डाइशियस इसके लिए होगा हेटेरोथेलिक, मींस अलग अलग थैलस पे. इसको बोलेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल कंडीशन. याद रहेगा, तो मोनोशियस के लिए आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने नाम सुना होगा इसका. आई थिंक कुकर बीट्स का नाम सुने क्या आप लोग? वेरी गुड. कोकोनट तो नाम सुने होंगे, आए दिन देखते कहीं कहीं जाम कहीं भी जाओ देख लेते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, दीज ऑर्गेनिज्म हैव बोथ सेक्स ऑर्गेन ऑन द सेम थैलस ऑन द सेम प्लांट. क्लियर है? द फ्लावर्स मे बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू हैव बाइसेक्सुअल कंडीशन द फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल. द फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो वो दोनों ऑर्गेन एक ही में पाया जाएगा, लेकिन होमोथेलिक बोलेंगे तो एक ही थैलस में, वो एक ही बॉडी में कहीं पे भी दोनों हो सकता है. ठीक है ना? हेलो. इन नेक्स्ट वी हैव डाइशियस के लिए, अगर इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा अपने पास? पपाया. नाम सुना है क्या? हेलो, सुना है. डेट पाल, इसका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने. यस सर. हाँ. इन द फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज द स्टामिनेट bearing stamen and while the female pistillate bearing pistil. Is it clear? क्या आप लोग morphology भूल गए हो? Hello? क्या आप लोग morphology भूल गए हो? याद है. हाँ, याद रहना चाहिए. Boards वाले भी और integrate वाले भी और non integrate दोनों. आप लोग को पढ़ाया गया है? आप लोग को पढ़ाया गया है. बोर्ड्स वाले दो बार पढ़ चुके हैं इसको, नॉन इंटीग्रेट वाले भी दो बार पढ़ चुके हैं. कहीं अपने स्कूल में पढ़े होंगे ना आप लोग? हाँ. इतना आप लोग लिख लिए क्या? सर. आगे बढ़ूं? हाँ सर. हाँ, कुछ स्टार डाल के कुछ पॉइंट्स लिखना है. अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले बताया कि गैमेट्स फॉर्मड इन ऑर्गेनिज्म बाय मियोसिस, लेकिन वहीं पर जो कुछ ऑर्गेनिज्म, क्या सारे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं क्या? नहीं. हाँ, सम आर हैप्लॉइड. सो हैप्लॉइड पेरेंट्स गैमेट प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कोई बताएगा? माइटोसिस. दोबारा बोलना. माइटोसिस होता है, लेकिन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म तो मियोसिस के थ्रू होता है. सर बट हम एन बाय टू का तो कुछ होता नहीं ना. नहीं होता. सर इसमें तो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल चलती है ना. हाँ. सो दे प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन. क्लियर है? इसका मतलब फिर तो वो कहीं ना कहीं डिप्लॉयड हो जाएगा ना. फिर वो हैप्लॉइड कैसे होता है, कोई बताएगा?
पर वो अपना लाइफ का मेजर पोर्शन हैप्लॉइड से ही बताता है ना, मतलब वो तो ठीक है, आप वेरी गुड, आपने सही बोला, लेकिन वो हैप्लॉइड फिर आता कैसे है? क्योंकि अगर भाई अगर ये अगर विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस ये एक एन बन गया, दूसरा मेल गैमेट आएगा फिर दोनों मिल करके ये 2n हो जाएगा ना, फिर ये फिर हैप्लॉइड फिर कैसे होगा? ये नहीं पता, मियोसिस होगा क्या इसके बाद? हाँ, इसमें होता है मियोसिस, जिनके वजह से मींस यहाँ पर इन जनरल क्या होता है और जगह गेमेटिक मियोसिस होता है, यहाँ पर क्या होगा जायगोटिक मियोसिस होगा, ठीक है ना? कुछ ऑर्गेनिज्म में, हाँ बेटा, यस सर, कुछ ऑर्गेनिज्म में जायगोटिक मियोसिस होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जायगोटिक माइटोसिस होता है, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, ये पॉइंट आपका हो गया, वेरी गुड, सबको पता है, अच्छी बात। आगे बात करते हैं, आगे बात ये करना है कि सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू मोनेरा फंजाई अलगा एम्ब्रायोफाइट्स दे आर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स पेरेंट बॉडी आर डिप्लॉइड सो दे प्रोड्यूस गैमेट्स बाय मियोटिक डिविजन। क्लियर है क्या? ये पॉइंट आपको कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि तो आपको पता है, ठीक है? हेलो सर, हाँ सर, हाँ। वहीं पर अगर मैं बात करूं चारा की, चारा एक प्लांट है, आप लोग कारा भी बोल सकते हैं, मैं चारा बोलता हूँ, जो उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊगोनियम बोलते हैं। आई थिंक आपको मैंने वैसे ग्रुप में आपको भेजा हूं, क्लियर है? और जो मैं ग्रुप में आपको फोटो भेजा हूँ डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, इससे सवाल पूछा गया है। ये जो पांच आपको डायग्राम दिख रहे हैं ना, ये पांचों से सवाल पूछा गया है, पूछ लेगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ध्यान रखना ये ब्लैक एंड व्हाइट में ही क्वेश्चन पूछा जाती है, ये आपको ऑनलाइन पेपर नहीं जिसमें आपको कलरफुल क्वेश्चन डायग्राम मिलेगा। तो आपको अच्छा, आप लोग थोड़ा ग्रुप वाला इमेज पे जा सकते हो क्या? हेलो, उसमें देखो जो सबसे ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म प्लांट है, डायग्राम है, उसको आप देख रहे हो, सबसे ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या है आपके पास? इट इज अ प्लांट मोनोशियस चारा। क्या है? चारा। जो ऊपर वाला जो पार्ट है अपने पास बेसिकली कुछ ये इस टाइप का बना हुआ है ना, ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है। तो ये वाला पार्ट क्या है? ऊगोनियम। और नीचे वाला क्या है? एंथ्रिडियम। मींस एंथर से आया एंथ्रिडियम, दैट्स व्हाई इट इज ग्लोब्यूल, इट इज मेल सेक्स ऑर्गन, वेयर एज इन अपर पार्ट इज द अपर पार्ट इज द ऊगोनियम, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्यूल एंड इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला बात करते हैं किसका, जो कुछ इस पोर्शन में आपको ये दिख रहा होगा, दैट इज द स्वीट पोटैटो का बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर स्टामेन भी है और कार्पेल भी है, स्टामेन और कार्पेल है। तो ये डायग्राम भी एनसीईआरटी एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला तो कई बार पूछो, यहाँ पर इसके नीचे पोर्शन है बी पार्ट, फीमेल थैलस एंड मेल थैलस। थैलस उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जहां पर बॉडी कंप्लीटली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, क्लियर है? तो पहला आपको जो है फीमेल थैलस है, इट इज आर्केगोनियोफोर। आर्केगोनिया का एंथ एक होता है एंथर, एक होता है आर्केगोनिया, एंथ्रिडिया आर्केगोनिया। तो एंथर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन दैट इज द एंथ्रिडियोफोर एंड आर्केगोनिया प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन इज द आर्केगोनियोफोर। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो फीमेल वाला है समवर्ड कुछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंप्लीटली आपको डिफरेंशिएट दिख रहा होगा, ऊपर वाला दिख रहा है? हाँ, तो आपको ऐसे ही पहचानना है, एटलीस्ट कितना भी ब्लैक एंड व्हाइट रहे तो आपको दिख रहा होगा जो फीमेल वाला है वो समवर्ड फ्लावर लाइक है, दैट्स वाई इट इज फीमेल थैलस, इट इज आर्केगोनियोफोर। एंड द लेटर वन इज द एंथ्रिडियोफोर जो कि कंप्लीटली फ्लावर लाइक दिख नहीं रहा आपको, क्लियर है क्या?
हेलो सर। हाँ एक चीज मैंने आपको और भेजा है, द क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स। अच्छा एक और लिख लो, मियोसाइट्स किसे बोलते हैं? गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स बोलते हैं। दे आर डिप्लॉयड। सर हाँ सर बोलो सर। सो ये ओगानियम और एंथेरिडियम का पूछा था क्या लेबलिंग? हाँ ये वहाँ पे जो आपका ओगानियम लिखा हुआ है ना, इसको इरेज करके पूछा था कि ये क्या है और नीचे वाला क्या है। यहाँ पे दे देगा आपको ई ए दे देगा, ये देगा ए, ये देगा बी, आपको लेवल करने के लिए पूछेगा, मतलब मैच करने के लिए देगा इसमें कौन सा क्या सही है। तो ओगानियम को बोलते हैं न्यूक्यूल और नीचे वाला क्या बोलते हैं? ग्लोब्यूल, क्योंकि एक समवाट ग्लोब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जो नीचे वाला है ना, ये भी पूछा गया है नीट में, ठीक है। तो आपको मैंने जो मैंने एनालाइज किया है, जो मैंने समझा है वो ये क्या है कि इसमें फीमेल वाला कम, क्योंकि फीमेल में फ्लावर होते हैं ना, फीमेल मीन्स फ्लावर, तो दैट्स वाई फीमेल जो फ्लावर है वो कम्प्लीटली विजिबल है किसमें? फीमेल वाले में। और मेल वाले में क्या है, इट इज नॉट कम्प्लीटली डिस्टिंग्विश, मतलब कम्प्लीटली हमें फ्लावर दिख नहीं रहा है। ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है क्या? हेलो हाँ सर। आप लोगों को भी ऐसा कुछ लग रहा है? बोल दो यार। हाँ सर। हाँ रितिका बेटा आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो? तनुश्री आप शांत खामोश हो? सर इधर। भूमिका समर्थ प्राण क्लास में सबको बोलना बेटा, ये मैं अपने आप को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप लोग बोलोगे ना? हाँ सर। मुझे लगना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो एक चार्ट आपको नेक्स्ट वो देखो, शीट देखो आप, उसमें है क्रोमोजोम नंबर एन गैम ऑर्गेनिज्म, क्रोमोजोम नंबर इन मियोसाइट्स एंड क्रोमोजोम नंबर इन गैमेट्स। एक टर्म लिखा होगा वहां पर मियोसाइट। बेसिकली मियोसाइट क्या होता है? गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स को बोलते हैं मियोसाइट्स, और वी कैन से जीएमसी गैमेट मदर सेल। और अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम देंगे इस जीएमसी को, क्लियर है? अगर ह्यूमंस की बात करें, अच्छा ये सवाल पूछा गया है यहाँ, जो क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे है ना, एक बार पूछा गया है ह्यूमंस का, सबको पता होता है अप्रोक्स। फ्रूट फ्लाई का पूछा गया था एक बार, और आई थिंक एक बार पूछा गया है आपका फर्न के बारे में, और एक बार ओनियन के बारे में, ये तीन क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। तो ह्यूमंस का आपको पता है फरार, ह्यूमंस में क्रोमोजोम नंबर कितना होता है डिप्लॉयड कंडीशन में? हेलो 48 एनीवन 46 बेटा ये बेसिक क्वेश्चन नहीं, सबको पता होता है ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, मींस 46 क्रोमोजोम होते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में। अगर वहीं पर हैप्लॉयड की बात करें तो ये आधे हो जाते हैं, 23 होते हैं, क्लियर है? इसलिए लिखा है मियोसाइट्स को डिप्लॉयड कंडीशन को 2n से लिखते हैं, और हैप्लॉयड कंडीशन को n से लिखते हैं, और क्रोमोजोम नंबर आधा होता है। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है जिनका क्रोमोजोम नंबर 2x है, तो हैप्लॉयड कंडीशन में वो x हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको? मींस इस तरीके से 2x है तो वह x हो जाएगा, याद रहेगा। तो ह्यूमन बींग्स हैव इट इज द कॉमन, ये सबको पता होता है 46 क्रोमोजोम नंबर, इन हैप्लॉयड कंडीशन इट इज 23, सिर्फ 23 पेयर नहीं क्रोमोजोम, ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है डिप्लॉयड कंडीशन में, हैप्लॉयड कंडीशन में इट इज 23 एंड डिप्लॉयड कंडीशन इट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। हाउस फ्लाई में 12 होता है, हैप्लॉयड कंडीशन इट इज 6, रैट में 42, इस तरीके से सारा का सारा दिया हुआ है, ठीक है ना। डॉग्स का है, कैट का है, फ्रूट फ्लाई का है। ओफियोगलसम ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, को ध्यान रखना है, 1260 इन डिप्लॉयड कंडीशन एंड इट इज 630 इसका आधा हैप्लॉयड कंडीशन। वहीं पर एक मेज है जिनका 20 है, फिर हैप्लॉयड में 10 है, पोटेटो 48, 24, बटरफ्लाई 380, 190, ऑनियन 16 एंड 8। ये सारा याद कर लोगे आप लोग क्या?
याद रखोगे क्या? हाँ जी हेलो बोलो ना यार। यार अब लोग कुछ लगता खा पी के नहीं आया, वो नहीं खाया क्या? नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा जोर से बोला करो ना, मुझे चीखना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर के बारे में। ये गैमेट ट्रांसफर कौन से इवेंट्स में आएंगे? गैमेट ट्रांसफर इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी। याद रहेगा मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल और स्टेशनरी। याद रहेगा ये जनरली ऐसा होता है और वी कैन से स्टेशनरी मीन्स रुका होगा। आप बोलोगे सर ओवम भी तो मूव करता है, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सीलिया वो तब मूव कर पाते हैं। क्लियर है क्या? जैसे कुछ प्लांट है सिंपल प्लांट जैसे कि अलगा है ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स दे नीड वाटर एज ए मीडियम थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। क्लियर है क्या? हाँ तो एक पॉइंट और लिख लो। कभी सवाल ये पूछे कि इनमें से कौन कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनको वाटर एज ए मीडियम चाहिए गैमेट ट्रांसफर करने के लिए, इसीलिए अलगा और ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट ज्यादा जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? कि इसको हर जगह वाटर चाहिए क्योंकि अपने साइकिल को पूरा करने के लिए चाहिए गैमेट वाटर कैन से दे नीड वाटर और हर जगह वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती ना, रिवर वगैरह तो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई वो हो नहीं पाता, जिसकी वजह से वो हर जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। क्या ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे? तो ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, they need water as a medium, water as a medium for gamete transfer, for gamete transfer, gamete transfer. Clear hai kya? A large number of gametes, male gametes, however fails to reach the female gametes. Pata aisa kyun hota hai? जैसे फ्रॉक्स की बात करें तो फ्रॉक्स में क्या होता है, वो सॉल्टी कंडीशन पे उनके स्पर्म्स स्विम करते हैं और दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स बिकॉज ऑफ कि ऐसा ना हो कि वो सारे के सारे डिजेनरेट हो जाए, इसीलिए बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म। इज इट क्लियर? यस सर। अगर मैं नंबर ऑफ मेल गैमेट्स नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स इन ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो मेल गैमेट्स नंबर में बहुत ज्यादा होता है, सो दैट द टू कंपनसेट द लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर? वी हैव नेक्स्ट प्लांट दैट इज बाइसेक्सुअल दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट दैट इज पी। यही पी पी भी अलग अलग टाइप का होता है, गार्डन पी, काओ पी, चिकन पी। तो गार्डन पी किसने लिया था? मेंडल ने, अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्यों? क्या उसका लाइफ साइकिल भी छोटा था और वो एट ए टाइम बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को शो कर रहा था। देख लिया क्या आप लोगों ने? एक मिनट।
गया। अच्छा जो आप लोगों ने एक लिखा था ना हेटरोगामेट्स, वो कहा था हेटरोगामेट्स वाला कंडीशन, वो कहा गया है? होमोगामेट हेटरोगामेट सही रहा। तो हेटरोगामेट में आप लोग कुछ और ऐड कर लो, एग्जांपल में एक है आपके पास कॉकरोच, एक है आपके पास मंकी, याद रहेगा, और कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, यहाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, ये पॉइंट ऐड करना है आपको, बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट, एंड के बजाय और लिखो हर्माफ्रोडाइट। जैसे है इसमें स्पॉन्जेस, जैसे है इसमें टैप वर्म, अर्थवर्म भी आता है इसमें, तो ये क्या हेटरोगामेट्स में लिखना है क्या? नहीं 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 नहीं, हेटरोगामेट्स तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये अलग से पॉइंट लिखा है ना, बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। मोनोसेस के ऊपर एक अलग पॉइंट लिख लो आप, बाइसेक्सुअल और जहां पर भी स्पेस है, ऐसे ऑर्गन जो बाइसेक्सुअल होते हैं या उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। एग्जांपल है स्पॉन्जेस, ऐसे ऑर्गन में दोनों सेक्स होंगे, मींस दे आर बाइसेक्सुअल, क्लियर है? स्पॉन्जेस होंगे, टैप वर्म होगा, और इसमें अर्थवर्म भी आएगा और लीच भी आएगा। जमीन वाले कीड़े को बोलते हैं क्या? अर्थवर्म, और एक होता है लीच, विच आर द ब्लड सकर, क्लियर है? Yes. और मियोसाइट्स को ही हम लोग बोलते हैं गैमेट मदर सेल विच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म गैमेट, इज इट क्लियर और नॉट? हेलो, आगे बढ़ो। हाँ सर, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट वी कॉल एज फर्टिलाइजेशन, क्लियर है क्या? एंड द मेल गैमेट इज डिस्चार्ज नियर द ओव्यूल और नियर द एग, so that the fertilization can easily be happen, and it is the most vital event of sexual reproduction, so that this process fertilization restores the pleiadic level in the organism, okay? With the help of meiosis, meiosites produces haploid cell, that is the gametes, phir jo haploid ho gaya na, yahi fertilization wo uske gene composition ka gene number ko restore karta hai, क्लियर है क्या? क्लियर क्या? सो वी कैन से द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विच लीड्स टू which leads to formation of zygote, क्या बोलते हैं, is called fertilization। एक term होता है syngamy, basically gametes के मिलने के process को ही क्या बोलते हैं, इन दोनों के मिलने को क्या बोलते हैं हम लोग, syngamy बोलते हैं।
इसी की जस्ट बात क्या होता है फर्टिलाइजेशन। वैसे बेसिकली हम लोग दोनों को सिमिलरली एक दूसरे से मिला जुला के यूज कर सकते हैं, सिंगेमी फर्टिलाइजेशन मोर और लेस सेम चीज है, क्लियर है क्या? वी कैन यूज दिस टर्म्स एज इंटरचेंजेबली, चाहे फर्टिलाइजेशन बोलो या सिंगेमी बोलो, क्लियर है? सिंगेमी वापस कर सकते हो या? बेसिकली इसको समझने के लिए सिंग का मतलब होता है मिलना, गैमी मीन्स गैमिट, गैमिट के मिलने की ही प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगेमी बोलते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है फर्टिलाइजेशन। वैसे सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन सेम चीज। सभी वो डायग्राम में आपने क्या समझाया? अच्छा, ये है आपका फीमेल गैमिट, ये है आपका मेल गैमिट, यानी स्पर्म। अब ठीक है, इन दोनों का मिलने की प्रोसेस बोलते हैं हम लोग क्या, सिंगेमी, विच लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ऐसा कह सकते हो आप, मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सिंगेमी। अच्छा, जायगोट होगा कैसा होगा, डिप्लॉइड जायगोट होगा, कैसा होगा, डिप्लॉइड जायगोट होगा, क्लियर है? And these syngamy, these fertilization may occur outside the organism, inside the organism. Clear hai? In most of the aquatic organism, such as majority of alga, fishes, as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, that is water, outside the body of organism. This kind of fertilization is known as external fertilization. Yaad hai? समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। हाँ बोलो सर। यस सर। इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ इन जनरल फीमेली और ऑर्गेनिज्म, क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। चाहे तो क्या होगा, वाटर या कुछ और भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट एग लेइंग। ऐसे क्या होगा, दोनों गैमेट्स बाहर प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर है क्या? Yes, sir. वैसे अगर मैं समझने के लिए आपको एग्जांपल दूं, फ्रॉग का अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फ्रॉग में क्या होता है कि दे प्रोड्यूस, फीमेल प्रोड्यूस एक आउटसाइड देयर बॉडी, मींस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज द वाटर। कभी आपने देखा हो किसी पॉन्ड वगैरह में व्हाइट व्हाइट सा कुछ झाग टाइप बना होता है, देखा है क्या आप लोगों ने? बेसिकली दैट इज द एग ऑफ फीमेल। और वहीं पर क्या करता है मेल, जो फ्रॉग होते हैं वो उसी वाटर पे अपने स्पर्म को रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से क्या, वो उनके स्पर्म तैरते हुए उनके एग तक पहुंचता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनते हैं। कभी अगर आपने देखा होगा कि दे ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन, दे हैव सम काइंड ऑफ मेटिंग, लेकिन दे आर फॉल्स मेटिंग, दे आर सीडो पॉपुलेशन ओनली फॉर देयर एंजॉयमेंट, नथिंग एल्स, क्योंकि उनका तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना? समझ में आया क्या आपको? इन मेजोरिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स सच एज बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस दैट इज सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन takes place inside the body of organism. This process is known as internal fertilization. Is it clear? Yes, sir. Means एक को छोड़ करके कौन सा thallophyta को छोड़ के, मतलब कि algae वगैरह को छोड़ करके, मैंने क्या बोला, जो aqueous organism, जो aquatic organism होंगे उसमें क्या होगा, external fertilization, in general जो lower organism होंगे
जैसे यहाँ पर क्या है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे क्या है, बिलोंग्स टू फंजाई, किंगडम फंजाई, हायर एनिमल्स जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दिस प्रोसेस सिंगेमी और द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. हाँ, तो इसमें आपको एक्सटर्नल में लिखना है फिशेज और मेजोरिटी ऑफ अलगा। अलगा और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच behaves as a dual life, dual life organism means दो जगह रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, दो हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं amphibians। क्या आपको समझ में आया कि नहीं यार? हेलो यस पक्का? आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें आप लोग डिफाइन कर दो, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, बताओ क्या होगा? सर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। इफ फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इफ fertilization is occurring or takes place inside the body of female organism, is called so, means internal fertilization। Example के तौर पे terrestrial organism में कह सकता हूं, एक broad term हो गया terrestrial, जैसे fungi, higher animals हायर एलिमेंट में क्या होगा, जैसे सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। आपको ये टर्म BMR के नाम से याद रखना है, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स। याद रखोगे क्या? इसका कहीं पे बहुत जगह यूज आएगा। हाँ जी, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और हायर प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। याद रहेगा? इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। Organism like bryophytes and pteridophytes exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile, has to reach the egg in order to fuse with it. In this, even though the number of sperm are produced is very large, as there is significant reduction in the number of egg produced. क्योंकि egg और sperm के production में
नंबर में काफी डिफरेंस होता है. क्लियर है क्या? इन सीड प्लांट हाउएवर द नॉन मोटाइल गैमेट आर कैरीड टू नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट बाय द पोलन ट्यूब. आपको पता होगा कि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है. इतना आप लोगों ने लिख लिया? हाँ सर. नहीं सर. कितने पेज हो गए नोट्स? आज तीन हो गए. पांच पेज हो गया टोटल में. नहीं आज तीन पेजेस ही हुआ. हाँ बेटा सर. पांच मतलब आप से जब से स्टार्ट हुआ चैप्टर. अच्छा पांच. एक काम करना, आज आप लोग ना सबको अपना अपना नोट्स का फोटो भेजना, फर्स्ट पेपर का जो आज मैं आज तक का जो पढ़ाया जाएगा. ठीक है ना? भेज दोगे? यस सर. सब कोई एक स्टेडल का एक पॉइंट लिख लो. इन सीड प्लांट मीन एंजियोस्पर्म. किसी का ये सवाल था ना, या मैंने कुछ पूछा था आप लोगों से. द नॉन मोटाइल गैमेट, नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरीड टू नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब याद रहेगा. द फीमेल के द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? पार्थिनोजेनेसिस. इसी पार्थिनोजेनेसिस पे बेस पे 2020 की नीट पे सवाल पूछा गया है. ठीक है, ये तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू फ्रूट बनते हैं, लेकिन ऐसे अगर ऐसा फीमेल गैमेट, द फीमेल गैमेट और जहां पर भी ये पार्थिनोजेनेसिस आएगा और पार्थिनोकार्पी आएगा, मैं इसको स्किप कर दूंगा, ध्यान रखना. इसलिए ये सारा पॉइंट्स यहीं पर आ गया आपको. ठीक है, द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट to form new organism without fertilization this phenomena is called parthenogenesis. याद रहेगा? और ऐसे फ्लावर को, ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक. तो इस फिनोमेनो को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस. और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट और ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक. याद रहेगा? फिनोमेना बेस पे सवाल पूछा गया था नीट पे, ध्यान रखना. याद रहेगा? हाँ सर. आगे बढ़ो. नहीं सर, लिख.
लिख लिया क्या आप लोगों ने? हाँ सर। एक सेकंड सर। नेक्स्ट लिखो पोस्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्या? हाँ सर। means those events which occur after fertilization. इसमें क्या होगा? Events in sexual reproduction after the formation of zygote that are caused as post fertilization event. Is it clear? इसमें पहले पहला बात करते हैं zygote के बारे में। हाँ बेटा सर मुझे पार्थिनोजन से समझा नहीं। पार्थिनोजन से समझ में नहीं आया? नहीं। वही नहीं, दोबारा समझाते हैं हम। फॉर एग्जांपल दिस इज द फीमेल गैमेट। इज इट क्लियर? यस। ये ह्यूमंस पे नहीं होता है या कुछ प्लांट्स वगैरह में? कुछ सारे प्लांट्स में नहीं होते, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहां पर जैसे कुछ खास प्लांट होती है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, मैं क्या दूसरे एग्जाम्पल आपको बनाना है ना? बनाना में कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। क्लियर है? हाँ। तो ऐसे प्लांट्स जहां पर फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है एंड फॉर्म करता है नया ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली जब गैमेट मिला ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? यस और नो? तो सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आना चाहिए ना? इसको आप किसी में भी कह सकते हो, असेक्सुअल में कह सकते हो, लेकिन उसमें तो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट था क्या? नहीं। हाँ, तो फिर असेक्सुअल में नहीं होगा ना, इसको सेक्सुअल में कह सकते हैं। वैसे मैंने आपको लिखवाया था ना कि सेक्सुअल और असेक्सुअल? हाँ सर लिखा था। हाँ, विथ और विदाउट था, तो इट मे कंसिडर इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? ओके सर। इट इज अ फिनोमेना इन विच द फीमेल गैमेट डिवेलप्स undergoes development and form a as it is organism. Obviously this phenomenon is occurring without fertilization. That's why this phenomenon is known as parthenogenesis. अच्छा, सवाल जब पूछा गया था तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन parthenogenesis भी था और parthenocarpic भी था। तो फिर वहां समझ के सवाल देता है ना, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? parthenogenesis बोलते हैं। और ऐसे फ्रूट और ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? parthenocarpic fruit. Is it clear? हाँ सर। आगे बात करते हैं जायगोट। जायगोट इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट इज यूनिवर्सली इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि जायगोट बनेगा, वो भी डिप्लॉयड जायगोट। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द जायगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम इन जनरली ये वाटर होता है। Whereas those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of, in general, female organism. Clear है? Organisms belongs to fungi and plants, fungi and algae. Zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage, which undergoes a period of rest before germination. Clear है क्या? And this zygote is the vital link between or we can say it is a vital link that ensures the continuity of a species between organism of one generation to next generation. For example, it is parents, it is zygote. Iske jo naya organism aayega, naya offspring aayega, yahi to ek link hai. Yahi agar link hoga hi nahi to naya organism naya generation kahan se aa sakta hai? Samajh mein aaya kya aapko? तो बेसिकली जायगोट क्या होता है? जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको क्या बोलते हैं? जायगोट। द फर्टिलाइज्ड एग एंड दिस फर्टिलाइजेशन हैपेंस ड्यू टू द मेटिंग मीटिंग ऑफ एग एंड स्पर्म। द फर्टिलाइज्ड, अरे यार, द फर्टिलाइज्ड
द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जायगोट. ठीक है क्या? हेलो. हाँ सर. द फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइज एग को क्या बोलते हैं हम लोग? जायगोट बोलते हैं. फिर फर्दर क्या होगा? ये जायगोट का डेवलपमेंट होगा. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस. क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट development of embryo from gamete na, from zygote, is called, so means embryogenesis. And then फिर क्या होता है? Organogenesis होता है, means organ का formation होता है. During embryogenesis the zygote undergoes cell division, that is mitosis. And then the cell differentiate into different structure. While this, while the cell division increases the number of cell in the developing embryo. Clear hai kya? Yes sir. This cell differentiation helps the helps to form a group of cell which to undergo certain modification to form a specialized tissue and organ to form a complete organism. Is it clear? Hello. क्लियर है क्या? मैं पुरानी बातें फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को. जो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, जायगोट ही, जायगोट से क्या बनता है? जायगोट इज डेवलप इनसाइड द ओव्यूल. क्या बनते हैं? डेवलप inside the ovule. Clear hai kya? Aur yahi ovule kisme aata hai? This ovule converts into seed and ovary converts into fruit. Bolo na yaar. Haan sir. And after fertilization the sepals, petals and the stamens of the flower wither and fall off. But the pistil, however, remains attached to the plants and the developed zygote, the zygote develops into the embryo and ovules into seed and ovary develops into the fruit. वैसे आप लोगों को पता होगा, fruit having different kinds of protective layer, that is the seed having outer protective layer, that is called as pericarp. पढ़ा है क्या? पेरिकार्प इज द आउटर कवरिंग ऑफ सीड. जैसे अगर हम लोग मटर की बात करें तो मटर में क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है क्या? ऐसा होता है? हेलो. होता है ना मटर? तो आप लोग खाए होंगे ना, तो मटर में आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरीके से लाइनिंग होती है. और हाँ, वैसे वो बहुत बेनिफिशियल होता है मटर. ठीक है, आप लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन भेजा आप लोगों सॉल्व किया क्या? यस सर. सारे के सारे 11 क्वेश्चन. 11 ने ज्यादा दिया था आप लोगों को. अच्छा, एक ही दिया था क्या? अच्छा, थोड़ा सा और थोड़ा लोग डिटेल से बात करते हैं. जो हम लोगों ने पढ़ा कुछ देर पहले ना, डिफरेंट डिफरेंट फेज, जिसे जुवेनाइल फेज है, फिर अपने पास रिप्रोडक्टिव फेज है. उस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन होता है. एंड देन वी हैव लास्ट द एजिंग, दैट इज द सेनेसेंट फेज. इसमें क्या होता है? जुवेनाइल फेज में वी हैव सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ दैट लीड्स टू मैच्योरिटी before they can reproduce.
और दे प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। एनिमल में इसी जुवेनाइल फेज को क्या बोलते हैं, सॉरी इसी फेज को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। वहीं पर प्लांट में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। देन फिर आता है अपने पास रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, इट इज द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, इज मार्क्ड, इट इज बेसिकली डिफरेंशिएटेड बाय द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। इन दिस इट हैज सम काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रियर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फ्लावर का आना शुरू होगा। अगर ह्यूमंस की बात करें तो इसमें ह्यूमंस के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आएगी तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे हेयर्स का आउटग्रोथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेल है तो क्या होगा, मॉस्टेज आएगा, बियर्ड आएगा, ईगरनेस आएगा, व्हाट वी कैन से इस जो स्पीच होगी वो लाउडनेस आएगा। वहीं पर क्या होगा, और डिफरेंट ऑर्गन्स सेक्सुअल, फॉर एग्जाम्पल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा और गैमेट प्रोडक्शन का और भी कंटिन्यू होता रहेगा आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। वहीं पर फीमेल्स में क्या है कि वी हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थ्रू विच वी कैन से कि द, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, नहीं सर। हाँ, वहीं पर फीमेल में क्या होता है कि बेसिकली इट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, पीरियड्स का आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, दीज आर द फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट इज हैपनिंग एट द एज ऑफ रिप्रोडक्टिव। मीन्स दिस इज द एज आफ्टर प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी अगर 10 टू 12 ईयर फीमेल का होता है और अप्रोक्स 12, 13, 14 ये मेल्स का होता है। इसी दौरान क्या होता है कि बॉडी में सेक्स ऑर्गन का प्रॉपर डिवेलपमेंट होता है। द बॉडी इज प्रिपेयर, अगर फीमेल है तो देयर बॉडी इज प्रिपेयर देम सेल्फ टू गेट द डिवेलपमेंट ऑफ बेबी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एट दैट स्टेज ही और शी इज एबल टू टेक केयर ऑफ दैट बेबी। दीज आर द फिनोमेना विच आर स्टार्टेड एट द एज ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। फिनोमेना दीज फीचर्स आर स्टार्टिंग बट एट द एक टाइम आएगा कि वो प्रॉपरली मैच्योर हो जाएगा एंड देन ही शी कैन बियर चाइल्ड और हर बॉडी इज एबल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड और द बेबी। इज इट क्लियर? वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ ब्रीडिंग सीजन। वी हैव सम ऑर्गेनिज्म विच आर सीजनल ब्रीडर। फॉर एग्जाम्पल डॉग, दे हैव सर्टेन सीजन बट देर आर अदर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सीजन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैंगो, फ्रूट प्लांट्स दे हैव सीजन, क्रॉप प्लांट दे हैव सीजन। बट अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ, अगर काउ की बात करूँ, बफेलो की बात करूँ, दे डू नॉट हैव सर्टेन काइंड ऑफ सीजन। क्लियर है? तो वी हैव सम आर सीजनल ब्रीडर एंड अनदर आर नॉन सीजनल ब्रीडर। इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज द फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स, मीन्स ऐसे मैमल्स वो क्लास है जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो पूछेगा कि सर फीमेल मेल के पास मेमोरी ग्लैंड कहाँ होता है? मैं बोलूंगा कि बेटा होता है क्योंकि वो डिवेलप नहीं होता। तो मेमोरी ग्लैंड्स का होना इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैमल। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, चाहे मेल और फीमेल, बोथ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मैमल्स सिंस हैविंग मेमोरी ग्लैंड बट दे आर नॉट डिवेलप। फीमेल्स में डिवेलप होता है क्योंकि उनके बेबी को फीडिंग के लिए। इज इट क्लियर? If nature has made us, they have certain have created some kind of phenomena to take care of the baby who is coming going to come in the next generation. Is it clear? Yes, sir. And these placental mammals exhibit certain kind of cyclical changes in the activities of ovary and have accessory duct as well as secretion of hormones. We have two class of organism. One is primate. इसको आपको लिखना पड़ेगा। आप लोगों का क्लास है क्या अभी? आप लोगों ने लिख लिया था? Yes sir. We have two group of organism. One is primate. Another is non-primate. मैमल्स दो ग्रुप के होते हैं, बेसिकली दीज आर मैमल्स। तो प्राइमेट्स वो होते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं नॉन प्राइमेट्स की।
Primates are non-primates and mammals are those like cow, sheep, rat, deer, dogs, tiger. They do not have any kind of cyclical changes such as menstrual cycle. Clear kya? क्या आवाज नहीं आया, आवाज नहीं आ रही. मैं कह रहा हूं कि वी हैव सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज काउ, शीप, डॉग्स, टाइगर्स, इटीसी. दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज, ड्यूरिंग reproduction. Cyclical changes in such organism क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं. इसमें मेंस्ट्रुअल नहीं होती, ब्लीडिंग नहीं होती. ओएस्ट्रस साइकिल याद रहेगा. वेयर एज इन प्राइमेट्स वी हैव मंकी साइक्लिक चेंजेस, मतलब क्या है, मींस दे ड्यूरिंग दिस इट विल हैव द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट एंड देयर इज सम काइंड ऑफ लिक्विड सेक्रेशन in their reproductive structure, reproductive organ. There is some kind of cycle through which the process reproduction occurs. Clear ka? Isi wajah se inke paas reproduction ho paata hai. और ऐसे साइकिल क्या बोलते हैं, ओएस्ट्रस मींस ऐसे ऑर्गन जिनके पास, ऐसे मेंबर्स जिनके पास ब्लीडिंग नहीं होती, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उसको बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल. सी उसमें म्यूकोस टाइप का सम काइंड ऑफ सीक्रेशन होता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन. क्लियर है. वहीं पर प्राइमेट्स में क्या होता है, दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस ब्लीडिंग मींस ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस. क्लियर है क्या? यस सर. तो मैं क्या बोल रहा था, मंकी मंकीज एप्स एंड ह्यूमंस, इनके पास जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, मतलब ईच एंड इन एवरी मंथ, दोज आर फॉर एग्जांपल ये मैमल्स के लिए होता है, मतलब फीमेल्स के लिए होते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. मींस मेंसेस का रिलीज होना, मेंस्ट्रुअल जो ईच एंड एवरी मंथ पे ये साइकिल होता रहता है. इट नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी 30 डेज, इट विल बी फ्रॉम 21 टू 42 डेज. दिस साइकिल विल बी फ्रॉम 21 टू 42 डेज. इज इट क्लियर? इसका हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे. On an average, it is 28 days of cycle. Is it clear? So, ये cyclic मतलब कि हर ये cycle पे होता रहता है. That's why it is called as menstrual cycle, and that's why the lower one is known as oestrus cycle. Clear है क्या? मैं को नहीं समझा. Difference क्या होता है? इसमें bleeding होती है. इसमें bleeding होती है. मीन्स एंड जो यूट्रस होता है ना, फॉर एग्जाम्पल
this is a uterus. This uterus is made from three layer, outer layer, middle layer, and the innermost third layer. इसको बोलते हैं endometrium. Alternate ovary से हर month एक egg release होता है. अगर fertilization हो गया तो pregnancy will occur. If not happen, इसको हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे human reproduction में. अगर नहीं हुआ तो होते ये with the help of cilia of the fallopian tube, ये move होता यहाँ आएगा. And then it will get degenerate. This, अगर pregnancy हुआ, तो this endometrium will support the pregnancy. If fertilization has not occurred, this layer will be break down with the help of hormone. तो ये layer टूटते हैं और bleeding के तौर पर with the help of with the passage of vagina, it passes out. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Bleeding बोलते हैं, यानी menstrual cycle. इसमें ऐसा कोई bleeding होता नहीं. Somewhat mucus का secretion होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं oestrus cycle. Clear है? हाँ सर, क्लियर है. हाँ बंदा, की हाँ बेटा, अभी क्लास खत्म होने वाला है सर का. क्लास क्या हो रहा है? हम सर का स्टार्ट होने वाला है सर. अच्छा, तो हो गया अपना खत्म हो गया. तो एक पॉइंट और लिख लो आप लोग. अगर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, अगर वो एक का प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ओविपेरस. एक लैंग में ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ओविपेरस. और जो बेबी को बर्थ दे, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? विविपेरस बोलते हैं. ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स आर इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर विविपेरस एंड बर्ड्स आर इन जनरली हैविंग egg is surrounded by hard calcareous shell. लेक्चर है अब. हाँ बस खत्म हो गया, छोड़ रहा हूँ. ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग? oviparous and viviparous. ये आप लोग पता है क्या oviparous viviparous? पता है क्या? बोलो यार. पता है सर. हाँ, तो बेसिकली oviparous are those which laying egg laying organs are known as oviparous and giving birth वाले organ क्या बोलते हैं? जो अपने baby को birth दे, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग? viviparous बोलते हैं. जो दोनों करे उसको बोलते हैं ओवो viviparous. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग. फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे ह्यूमन इट इज द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. क्लियर है? यस सर. यस सर. थैंक यू. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.